पंजाब में फिर शुरू हो गई लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग में गैंग वॉर। मोहाली की सड़कें एक बार फिर से हुई खून से लाल। बम्बीहा गैंग ने लिया मेद बाउंसर के हत्या का तथाकथित बदला। मेद बाउंसर के बदले मनीष बाउंसर की हत्या। बम्बीहा गैंग के लकी पटियाल ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी। किसानों की खेती से लहलाने वाला पंजाब एक बार फिर से गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर की वजह से सुर्खियों में है। पंजाब की दो बड़ी आपराधिक गैंग एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और पंजाब की सड़कों पर बदले की खातिर खून की होली खेली जा रही है। गैंगवॉर के इस खेल में पहले लबे देवड़ा मारा गया और उसके बदले की खातिर गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में हत्या की गई। फिर गुरलाल पहलवान और विक्की मिद्दूखेड़ा से लेकर सिद्धू मूसेवाला तक सब एक के बाद एक दो गैंग की दुश्मनी का शिकार हुए। लेकिन आज से करीब 5 साल पहले एक बाउंसर मारा गया था जो कहा जाता है बम्बीहा गैंग से ताल्लुक रखता था। उसकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने की थी जिसके बदले की आग में बम्बीहा गैंग कई साल से जल रही थी। अब उसी मीत बाउंसर की हत्या के बदले एक बार फिर से पंजाब के मोहाली के खरड़ में गोलियां चली हैं। तो कौन था मीत बाउंसर और क्यों बम्बीहा गैंग ने मीत के बदले मनीष बाउंसर की हत्या करवाई है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल पंजाब के खरड़ में एक बाउंसर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। 26 साल के मनीष कुमार उर्फ मनी करण के निकट गांव टियोगा रहने वाला था। वो खेतीबाड़ी के अतिरिक्त बाउंसर का भी काम करता था। मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 बजे वो एक जिम से लौट रहा था। गांव चांदो गोविंदगढ़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने पहले मनीष को रोका और बिल्कुल नजदीक से उसके सिर में गोलियां मार दी। गोलियां लगते ही मनीष वहीं गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस हत्याकांड के अगले दिन बाउंसर मनीष हत्याकांड की बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा कि ये मर्डर लकी पटियाल ने करवाया है। 5 साल पहले हुए मीत बाउंसर की हत्या का ये बदला लिया गया है। पोस्ट में उसने ये भी चेतावनी दी है कि जितना वक्त गुजरेगा उतनी ही दुश्मनी बढ़ती जाएगी, कोई किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। आपको बता दें कि आज से करीब 5 साल पहले बाउंसर मीत की हत्या पंचकुला के गाँव सतकेड़ी स्थित शिव मंदिर के सामने दिन दहाड़े हुई थी। चंडीगढ़ के एक क्लब में हुए विवाद को लेकर उसकी हत्या की गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित एक क्लब में ये विवाद हुआ था। इसमें कुरुक्षेत्र से आए कुछ लड़कों के साथ उस वक्त विवाद की बातें सामने आई थी। उनके वहां पर हंगामा करने के बाद मौजूद बाउंसर गगनदीप सिंह से उनका विवाद हुआ था। गगन की मदद करने के लिए वहां पर मीत पहुंचा था। इसी विवाद को लेकर बाउंसर मीत की हत्या हुई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ग्रुपों के अंदर पुराना विवाद है। 5 जुलाई 2016 को सेक्टर 26 के एक जिम के ट्रेनर अखिल को जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई गई थी। उस वक्त पुलिस ने गगनदीप सिंह जो कि नायगांव, मनीष कुमार उर्फ मनी जो कि तिउड़ और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस गोलीबारी का बदला लेने के लिए बम्बीहा गैंग की तरफ से सेक्टर 26 के ही एक क्लब के अंदर गोलीबारी करवाई गई थी। उसके बाद बाउंसर मीत की हत्या हुई थी और आज 5 साल बाद उसी तीनों लड़कों में से एक लड़का मनीष बाउंसर की हत्या बम्बीहा गैंग ने करवा दी है, जिसे पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है।